तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीके ब्लॉग्स ऑफिशियल। मैं आपका अपना विकास कुमार आज आपके लिए एक अपडेट वीडियो लेकर के आया हूँ। यूट्यूब की टिप्स हमेशा आपको इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग में या नए चैनल में हम व्यूज़ कैसे ला सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में अगर हमारा नया चैनल है, अगर हमने अभी अभी चैनल बनाया है, अभी क्रिएट किया हुआ चैनल, तो हमको व्यूज़ कैसे मिलेगा? हमें स्टार्टिंग में तो कोई जानता नहीं है, तो कैसे लोग हमसे जुड़ेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होते होंगे कि मैं अगर नया चैनल बनाऊंगा तो लोग मुझे जानते नहीं हैं। अगर फिर मैं क्या होता है कि स्टार्टिंग में लोग इसी कारण से डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई लोग आ भी पाते हैं, कई लोग नहीं भी आ पाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरा समझाऊँगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यूट्यूब पर देखिए, आने से पहले आपको अपना नीच चुनना है कि आपको किस कंटेंट पर काम करना है अपने चैनल में, तभी उसके बाद ही आप YouTube पे आइएगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कंटेंट पे काम करना है। आपका चैनल का डिसाइड होना चाहिए कि आपको ब्लॉग चैनल बनाना है, कि इंटरटेनमेंट का चैनल बनाना है, कि कॉमेडी का चैनल बनाना है, कि मतलब कुछ भी हो, लेकिन उसका एक कंटेंट होना चाहिए। बिना कंटेंट का आपका चैनल नहीं चलेगा। आप जब तक एक नीच नीच डिसाइड करेंगे, एक कंटेंट डिसाइड करके नहीं चलेगा अपने चैनल पे, तो क्या होगा? अगर मिक्स कंटेंट अगर यूट्यूब पे आप डालते हैं तो क्या लोग वहाँ पे क्या होंगे? लोग मतलब समझ नहीं पाएंगे कि आप उनको क्या समझाना चाहते हैं, अपने चैनल पर दिखाना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला आपको पॉइंट रखना है अपने चैनल पर कि आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको चैनल मतलब किस पर्पज़ से चैनल बना रहे हैं आप। इंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, ब्लॉगर से रिलेटेड है, चाहे कॉमेडियन से रिलेटेड है, चाहे इंफॉर्मेशन से है, चाहे टेक्निकल टिप्स के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। वैसे एक हर एक पॉइंट होता है यूट्यूब में आने का कि उस बेस पर आपको काम करना है। तो शुरुआत में आपको कोई जानता नहीं है। सबसे बड़ा हर यूट्यूबर का एक परेशानी रहता है कि नया चैनल में अब नया चैनल बनाया है तो उनकी स्टार्टिंग कोई जानता नहीं, तो वो कैसे काम करेंगे आगे चल करके? तो उनका यही परेशानी रहता है। तो आप स्टार्टिंग में अगर नया चैनल बनाया है तो क्या कंटेंट आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में कंटेंट अच्छा देना है। शुरुआत में कंटेंट अच्छा देना है, तभी आप आगे चल पाओगे, तो फिर आगे आपको दिक्कत जाएगा। शुरुआत में अगर कंटेंट अच्छा नहीं रखोगे तो आगे चले आपको बहुत दिक्कत जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपको शुरुआत में आपको काम कंटेंट सही रखना है। ऑडियो होता है, वॉइस क्वालिटी जो होती है, आपको अच्छी रखनी है, तभी आप यूट्यूब पे चल पाओगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कंटेंट आपको सही रखना है, वॉइस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वीडियो का थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टाइटल भी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपको उसका डिस्क्रिप्शन अच्छा रखना है। और शुरुआत में क्या होता है, आप फ्रेंड सर्कल लोगों को बता सकते हो कि मेरा नया चैनल है, तो क्या शुरुआत में धीरे धीरे व्यूज़ मिलता है। और ये नहीं कि आप अपना ही वीडियो खुद देख रहे हो, ऐसा मत कीजिएगा। खुद का बना हुआ खुद वीडियो अपने चैनल पे मत देखिएगा, इससे क्या होता है, इनवैलिड क्लिक होता है यूट्यूब पे। तो आपको अपने आपको कंटिन्यू वर्क करना है और अपने मेहनत से आगे बढ़ना है। इनवैलिड क्लिक पे ज़्यादा न ध्यान दें और ओरिजिनल कंटेंट अपना ही डालिएगा और शेयर कीजिए। स्टार्टिंग के शुरुआत में आपको ऐसे व्यूज़ मिलेंगे, आपके जो पहचान वाले हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, वो आपको ये वीडियो को देखेंगे। थोड़ा भी अगर देखेंगे तो क्या वीडियो यूट्यूब की जो टीम हो, क्या होता है, जो प्रोटोकॉल जो बना है यूट्यूब का, वीडियो को आज क्या सजेशन में भेजता है। तो वैसे YouTube का जो नियम भी वैसे ही काम करता है। तो जितना लोग देखेंगे उतना ज़्यादा वो सर्च में या ब्राउज फीचर में नोटिफिकेशन के थ्रू जाता है, सजेशन में जाता है, ब्राउज फीचर में जाता है, एक्सटर्नल कितना आ रहा है, अदर स्टेट, अदर मतलब लोकेशन क्रैक, उसका जो कहाँ कहाँ से लोग आपको ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, इंडिया से या इंडिया के बाहर से, मतलब आपको इस बेस पर भी ध्यान देना है। आपको अपना YouTube का जो एक सॉफ्टवेयर होता है अलग से, जो आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उस YT स्टूडियो, इसमें आप जाकर के आप अपना पूरा अपने चैनल के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एनालिटिक देख सकते हैं, आपके में आपका वीडियो कितना रैंक कर रहा है, CTR कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको अब आपको पूरा सारा चीज़ दिखेगा। तो मैं YT स्टूडियो के बारे में एक अलग से वीडियो बना के इसमें अपलोड करूँगा अपने चैनल में। और बाकी अभी के लिए इतना काफ़ी है। बने रही हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है VK ब्लॉग्स ऑफिशियल। मैं आपका अपना विकास कुमार, बहुत जल्द मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।